भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा द्वारा एक सम्मेलन कुंदरकी विधानसभा के लोटस बैंक्वेट हॉल में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह रहे। अतिथिगण के रूप में बलदेव औलख एवं जसवंत सिंह सैनी रहे। राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा तेजा गुर्जर रहे। मुख्य अतिथि धर्मपाल सिंह ने सम्मेलन में कहा कि मोदी योगी सरकार ने सभी किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। किसानों के लिए किसान निधि समय पर आ रही है तथा किसानों को हर चीज का उचित मूल्य मिल रहा है। गन्ना किसानों का पेमेंट भी हर मेल द्वारा 14 दिन में किया जा रहा है, इसलिए प्रदेश का किसान को सिंचाई के लिए फ्री बिजली उपलब्ध हो रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। उनका यह फैसला प्रदेश के किसानों को सिंचाई के रूप में कुशल बना रहा है। किसानों के लिए मोदी योगी सरकार हमेशा किसानों के प्रति सही फैसला लेती आ रही है। जिस देश और प्रदेश का किसान अपने परिवार के साथ उचित जीवन जी रहा है, समय पर हर किसान को पैसा मिल रहा है, जिससे किसान परिवार में पढ़ने वाले बच्चों को समय पर अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है, समय पर फ्री बिजली मिल रही है, इतना बड़ा फैसला किसान क्रांति के लिए बहुत बड़ा फैसला है। कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। इसमें कुंदरकी विधानसभा में आने वाले किसान, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, वे किसानों के प्रति जो भी सरकार ने अच्छे फैसले लिए हैं वे उनके प्रति वोट करेंगे। आप इस चुनाव को जीतने के लिए हमें हर स्तर पर हमको काम करना पड़ेगा। साथ ही कहा सकते हैं कि कुदरती विधानसभा आप जीते, कैंडिडेट कोई भी हो, ये हमारे पार्टी ने तय करना है, मगर आपको कैसे जीतना करना है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत के विधानसभा में पहुंच सके, सिर्फ हम लोगों को ये तय करना है। साथियों, जहां तक आप किसान मोर्चे का सवाल है, आपने देखा 2014 से जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की बात और समझी तो पहले वक्ता में भी उन्होंने कहा था कि मुझे किसानों की चिंता है, मुझे किसानों को आय दोगुनी करनी है, मुझे किसानों को आगे बढ़ाना है, ये उनकी प्राथमिकता चिंता किसानों की थी और उन्होंने उसी दिशा में काम भी किया। उन्होंने उसी उसमें उस किसान को लेकर कार्यक्रम को लेकर चले। और देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो किसानों का 36,000 करोड़ रुपए किसानों का 1,00,000 तक का। किसान सम्मेलन में क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर, जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, सुरेश सैनी, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी, पूर्व जिला मंत्री चौधरी हुकुम सिंह, जिला महामंत्री राजन विश्नोई, कमल प्रजापति, हरज्ञान सिंह, चंद्रपाल सैनी, जिला मीडिया प्रभारी संजय ठाकुर, जिला मंत्री चकित चौधरी, नवीन चौधरी तथा मंच का संचालन किसान मोर्चा महामंत्री अनुज विश्नोई ने किया। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, संसद की देरी पर शासन प्रणाम करते हुए लेट कर ये कहा, एक कानून की देवी, एक कानून का मंदिर, तेरे अंदर बैठकर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार कर सकूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने क्या थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने थे जो गांव के अंतिम छोर पर खड़ा है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, अपने मौजूदाओं का प्रयोग नहीं कर पाता है, वो देश सच्चा प्रजातंत्र आएगा जिसने ऐसे लोगों को घर बैठे न्याय मिला है। तो आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे वर्गों घर बैठे न्याय सम्मान देने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तद अनुसार कार्य कर रहे हैं। इसके पहली बार 2014 में माननीय मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी,
किसानों की आज दोगुनी मेरी खेती से ही नहीं होगी, किसानों की दोगुनी आज पशुपालन से भी होगी। आज गांव राष्ट्र की मात्रा गाय राष्ट्र की माताएं है। आज सबसे साफ भयंकर समस्या उत्तर प्रदेश में गायों के सामने, समस्या दोनों के सामने, गाय के सामने समस्या है। गाय किसान के खेत में खाने न जाए तो फिर कहाँ जाए? किसान के सामने समस्या है, किसान अपने खेत को न रखे तो उसके बच्चे कैसे पलेंगे, खेती किसानी कैसे आगे बढ़ेगी? योगी सरकार ने दोनों की समस्याओं का समाधान करने का भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का एक सम्मेलन, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश में 75% लोग किसी खेती से जुड़े हुए हैं, कुछ 70-60% लोग खेती का काम करते हैं सीधे, 10% लोग पशुपालन करते हैं, 5% लोग मजदूरी का काम करते हैं। तो प्रदेश में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सर्वाधिक संख्या है। इस संख्या को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चिंतित हैं। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अहर्निश उस अनुसार काम कर रहे हैं। आज इसी को लेकर एक सम्मेलन था और इस सम्मेलन में किसानों को भारत सरकार की ओर से दी गई सुविधाएं मोदी जी के द्वारा, क्योंकि मोदी जी ने 2014 जब प्रधानमंत्री बने तभी कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। किसानों की दोगुनी आय करने के लिए उन्होंने कई योजनाएं भी चलाई हैं और बिजली के बिल माफ़ करने का काम किया है, ऋण माफ़ करने का काम किया है। निरंतर इसके साथ साथ IMS जो न्यूनतम मूल समर्थन मूल्य है वो दलहन तिलहन इनका घोषित करने का काम किया है, गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया है। इस तरीके से किसानों की दोगुनी आय मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसानों की दोगुनी आय पशुपालन से होगी, डेयरी क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुविधा देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की चिंता है निराश्रित गौवंश की, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अब हम देसी गाय के दूध के साथ साथ गाय के गोबर पर भी काम करेंगे ताकि किसान की संपन्नता बढ़े। सर, मुखिंदर की बाय इलेक्शन होना है, किस तरीके के आप संभावनाएं देखते हैं इसमें? देखिए, अब इस बार जनता इतिहास बनाएगी मुखिंदर की का बदलेगी और निश्चित रूप से यहाँ ये चुनाव हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जाति बिरादरी का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव विकास का चुनाव है, कुंदरकी का विकास, सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। प्रत्याशी अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है, हमेशा कैंडिडेट पर कोई कार्यकर्ता हमारा चिंता नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए चुनाव और प्रचार करता है। क्या अनुमान लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों से ये सीट जीत पाएगी? कितने वोटों से, कितने अंतर से ये सीट जीत पाएगी? देखिए, हमने कहा इस बार कुंदरकी का इतिहास बदलेगा, भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्डेड जीत होगी।